तो जैसे कि आप जानते हैं अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां 2 का टीजर रिलीज का रूमर पिछले महीने से हो रहा था। तो भाई अब जाके फाइनली बड़े मियां छोटे मियां 2 का टीजर से रिलेटेड कुछ ऑफिशियली अपडेट आ गई है। एक्चुअली में अक्षय कुमार की BMCM 2 का टीजर 24 जनवरी को रिलीज होगा डिजिटल। शायद उसके बाद वो BMCM 2 का टीजर ऋतिक रोशन के फाइटर के साथ अटैच होकर थिएटर में भी चलने लगे। लगता है भाई इस साल पूरे 2024 में ये अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां ही अकेला बड़ी एक्शन मूवी रिलीज होने वाली है फाइटर के बाद हिंदी सिनेमा की ओर से। नहीं तो इस पूरे साल में साउथ के हीरो ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाले हैं अपनी पैन इंडिया फिल्मों से। खैर देखा जाए 24 जनवरी को किस समय बड़े मियां छोटे मियां 2 का टीजर आता है। प्रभास की सलार फाइनली OTT पर रिलीज होने वाला है, वो भी कल 20 जनवरी को ही नेटफ्लिक्स 2 पर, लेकिन केवल साउथ लैंग्वेज में ही, हिंदी में नहीं। और हाँ, ये होमबाली कंपनी आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा, ये मल्टीप्लेक्स का नियम है। अगर आप अपनी फिल्म को नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्स में रिलीज करते हैं तो आप फिल्म का OTT रिलीज सीधा 57 दिन बाद ही कर पाएंगे। इसलिए यहाँ की सारी फिल्में 57 दिन बाद ही OTT पर आ पाती है। और आपको सलार का हिंदी वर्जन भी अगले महीने 57 दिन होने के बाद ही मिल पाएगा, शायद 16 या 17 फरवरी को। खैर वैसे प्रभास की सलार का अब तक बॉक्स ऑफिस पर 405 करोड़ कलेक्शन हो गया है इंडिया में, और वर्सेज मिलाकर सलार ने 623 करोड़ 80 लाख रुपया कमाई किया है। यानी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है बॉक्स ऑफिस पर। इसलिए हमबाले कंपनी दो बार सक्सेस सेलिब्रेशन कर लिया है अपने सलार के टीम के साथ। द इंडियन पुलिस फोर्स कल रात को ही Amazon प्राइम पर रिलीज हो चुका है, जो करीब 4 घंटे की है। बट भाई इस सीरीज का रिव्यू सही में बकवास आ रहा है। पॉजिटिव के नाम पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस और रोहित सेठी का एक्शन कोरियोग्राफी है। अब आखिर इसके अलावा केवल आपको निराश करेगा ये इंडियन पुलिस फोर्स। भाई शिल्पा सेठी का ओवर एक्टिंग टीवी शो के एंकर जैसा इसमें भी नजर आ रहा था। और हाँ, इस मूवी का विलन जिसको टीजर या ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया था हाइप बनाने के लिए, और वही विलन आपको सबसे ज्यादा पकाने वाला है इस सीरीज के अंदर। बाकी भाई सीरीज के कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटोग्राफी वाले मानो मजाक कर रहे थे ऑडियंस के साथ। कहीं कहीं इतना घटिया कलर ग्रेडिंग है कि आपको देखा भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इस इंडियन पुलिस फोर्स का एक्शन वही काफी तगड़ा था केवल। बाकी भाई क्या आपने रोहित सेठी की इंडियन पुलिस फोर्स को अब तक देखे हैं या नहीं, हमें जरूर बताना कमेंट में। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये लड़ाई उन सारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इट इज पर्सनल एंड इट शुड बी वेरी पर्सनल। देखिए भाई समय पंकज त्रिपाठी जी की मैं अटल हूँ फिल्म सिनेमा में रिलीज हो चुका है, और भाई इसका रिव्यू सही में काफी अच्छा आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो ऐसे इंसान थे जिनको लगभग हर एक लोग पसंद करते थे उनके बड़े बड़े कामों कारण, और उनकी पूरी जर्नी को इस मूवी में बड़े अच्छे से डायरेक्टर रवि जाधव उतार दिए हैं, जिसको काफी लोग अब तक का बेस्ट बायोपिक भी बोलना चालू कर दिए हैं। और ये सब केवल पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर ही मुमकिन कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से। इन्होंने पूरा जस्टिस किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैरेक्टर के साथ इस मूवी के अंदर। बाकी अब मैं अटल हूँ फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन पे भी आ जाते हैं। तो भाई ऐसा बोला जा रहा है ये फिल्म पहले सिर्फ 1 करोड़ ही कलेक्शन कर पाएगा बॉक्स ऑफिस से। वैसे फिल्म का बजट भी ज्यादा नहीं है, 20 से 30 करोड़ के बीच में ये मैं अटल हूँ फिल्म बन गया है। तो देखा जाए आगे इस मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रभास काफी दिन से फिल्म का शूटिंग बंद कर दिए थे। तो भाई प्रभास का पैर का इंजरी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, और वो फिल्म का शूटिंग भी चालू कर दिए हैं। और अभी वो सबसे पहले कल्की फिल्म का काम चालू किए हैं नाग अश्विन के साथ इस लुक में। बोला जा रहा है अभी कल्की का पास्ट वाला पोर्शन का शूटिंग चल रही है। अब पता नहीं कल्की जैसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म में पास्ट का मतलब क्या है, क्या अभी कल्की के अंदर प्रेजेंट टाइमलाइन का शूटिंग हो रही है या साल 2800 सेंचुरी में किसी साल में शूटिंग हो रही है कल्की की। खैर कल्की का टाइमलाइन का क्या चक्कर है फिल्म रिलीज से पहले किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। चलिए बॉक्स ऑफिस पे आ जाते हैं, जहां हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे तेजा सजा की हनुमान से। देखिए हनुमान ने जहां बुधवार के दिन 11 करोड़ 34 लाख रुपए कलेक्शन किया है, तो वहीं हनुमान का गुरुवार के दिन 9 करोड़ 55 लाख रुपए कलेक्शन हो गया है पूरे इंडिया में, जिसमें से हनुमान ने तेलुगु में 7 करोड़ 50 लाख रुपए कमाई किया। तो वहीं हनुमान का हिंदी बेल्ट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है, और इसके साथ हनुमान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 7 दिन में 89 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया है। और ओवरसीज मिलाकर हनुमान ने 142 करोड़ 60 लाख रुपए कलेक्शन किया है पूरी दुनिया के मार्केट में, और हिंदी में टोटल प्रशांत की हनुमान का अब तक 7 दिन में 22 करोड़ 50 लाख रुपया कलेक्शन हो गया है बॉक्स ऑफिस पर। अब चलिए हनुमान के बाद महेश बाबू की गंठुर कारम पे आ जाते हैं। देखिए महेश बाबू की गंठुर कारम ने जहां बुधवार के दिन 7 करोड़ 80 लाख रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं गंठुर कारम का गुरुवार के दिन 5 करोड़ 50 लाख रुपए कलेक्शन किया है पूरे इंडिया में। खैर इसके साथ महेश बाबू की गंठुर कारम का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 7 दिन में 107 करोड़ 90 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है, और ओवरसीज मिलाकर गंठुर कारम ने 156 करोड़ 80 लाख रुपए कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। अब चलिए गंठुर कारम के बाद धनुष सर के कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस पे आ जाते हैं। देखिए कैप्टन मिलर ने जहां बुधवार के दिन 3 करोड़ 50 लाख रुपए कलेक्शन किया था, तो वहीं कैप्टन मिलर का गुरुवार के दिन 2 करोड़ कलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में, और इसके साथ धनुष सर के कैप्टन मिलर का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 7 दिन में 40 करोड़ 80 लाख रुपया हो गया है, और ओवरसीज मिलाकर कैप्टन मिलर ने 64 करोड़ कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब